नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से करीब 27 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी समेत कई लोगों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी देते हुए आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 5,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और इस मामले में मैजिस्ट्रेटरी को जांच का आदेश भी दे दिया है। लेकिन जहरीली शराब ने सिर्फ अलीगढ़ में ही लोगों की जान नहीं ली है, बल्कि इससे पहले भी कई जिले में जहरीली शराब कहर बरपा चुकी है। लेकिन ये जहर की धधकती भट्टियां बुझने का नाम नहीं ले रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता खालिक अंसारी। तो क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, जिस तरीके से अलीगढ़ में जो जहरीली शराब है वो अपना कहर बरपा रही है और इससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है? देखिए, अगर अलीगढ़ की बात कही जाए तो जहरीली शराब को लेकर अलीगढ़ में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर गंभीर हालत की कही जाए तो लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर हैं। शराब तस्करी के आरोप में लगभग अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 2 लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर नजर आ रहे हैं। वहीं दोनों लोगों में जो आरोपी हैं उन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। तो जो फरार जो अभियुक्त हैं वो भाजपा के करीबी भी बताए जा रहे हैं। जी, क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक इस मामले में? सबकी अगर बात कही जाए तो पोस्टमार्टम हाउस पर शवों की कतारें लंबी लंबी लगी हुई है। वहीं परिजनों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, साथ ही परिजनों के द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कई लोगों को जो आंखों से देखना भी बंद हो गया है, जिनका उपचार स्वास्थ्य केंद्र अलीगढ़ जिला मरखान सिंह अस्पताल में चल रहा है, साथ ही जैन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जी। वही अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कही जाए तो उनके द्वारा दोषियों की जो संपत्ति है उसको कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं, साथ ही उन पर NSA की कार्यवाही करने की संतुष्टि की गई है। जी। तो खालिक अंसारी जी, जिस तरीके से लगातार जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अभी बात करें कि जो लोग बीमार पड़े हैं उनकी हालत किस तरीके की है? देखिए, अगर बीमार वालों की हालत की बात कही जाए तो उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। जी, अभी डॉक्टर किसी भी तरह का जवाब देने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन CM के आदेश के बाद खालिक जी, क्या कुछ कार्रवाई की गई अगर अधिकारियों की बात की जाए तो? देखिए, अगर अधिकारियों की बात कही जाए तो 3 जो है आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं और अन्य 3 जो आबकारी अधिकारी के पुलिसकर्मी हैं उनको भी निलंबित कर दिया गया है। अगर ठेकों की बात कही जाए तो अब तक जो 5 ठेके सीज कर दिए गए हैं। पूरी तरीके से उनका जो सैंपल है उनकी सैंपलिंग करवाई जा रही है, साथ ही जो आसपास के जो भी गाँव है उनमें जो पुलिस तैनात कर दी गई है। जी, तो अब इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी सांसद जुड़ चुके हैं सतीश गौतम अलीगढ़ से। तो क्या कुछ कहना है सतीश जी, जिस तरीके से लगातार जहरीली शराब पीने से जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? देखिए, इसमें मैडम पूरी कार्रवाई की जा रही है, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा। जी। पूरा प्रशासन अलर्ट है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सीधा निर्देश है NSA लगाने का, जो इसमें लिप्त होंगे। मैं स्वयं क्षेत्र में भी भ्रमण कर रहा हूं, जहां भी इस तरह का है हमने गांव-गांव में माइक लगाकर अनाउंस कर रहे हैं कि किसी ने कोई भी पदार्थ पी लिया हो वो तत्काल उन्हें हॉस्पिटल में एम्बुलेंसों से भेजा जा रहा है। दूसरी बात, ये जो जहरीली शराब का जो कारोबार जो भी कर रहे हो ये क्लियर नहीं हो पा, जो कर रहे हैं वो क्लियर होकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आगे कभी जीवन में ऐसी घटना अलीगढ़ जिले में ना हो। लेकिन लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आते हैं, पुलिस भी अभियान चलाती है, कार्रवाई करने पहुंचती है, लेकिन अगर बात की जाए तालाबंदी की तो सतीश जी, वो क्यों नहीं की जाती है? देखिए मैडम, उसमें पूरी कार्रवाई हो रही है किसी तरह का भी। मैं कल भी सुबह 3 बजे पहुंच गया था क्षेत्र में, जैसे सूचना मिली थी। आज भी मैं और मेरे विधायक भी क्षेत्र में है, स्वयं हम लगे हुए हैं उसमें, और उसमें जो जिस तरह की घटना हुई है उसको मैडम किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो इसमें अपराधी है वो सलाखों के पीछे जाएगा। बिल्कुल, जिंदगी में ऐसा अलीगढ़ जिले में दोबारा कृत न हो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, NSA लगाई जाएगी उस पर। जी,
लेकिन सतीश जी एक सवाल कि ये पहला ऐसा मामला नहीं सामने आया है जब जहरीली शराब पीने से जो मौतें हुई हैं लगातार उत्तर प्रदेश में, अगर कई जिलों की बात करें तो चाहे वो कोई भी जिला हो, लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। मैडम अलीगढ़ में तो ये पहला मामला है, ये केवल चुनाव के दौरान हमारी पुलिस और सब प्रशासन चुनाव में लगा रहा था। अलीगढ़ में पहला मामला ऐसा कृत्रिम, 7 साल मुझे भी सांसद बने हो गए, मैं भी क्षेत्र में भ्रमण करता रहता हूँ, 24 घंटे क्षेत्र में रहता हूँ, ये पहला मामला है। मैं अलीगढ़ की गारंटी ले रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे घटना ऐसी जहरीली शराब की दोबारा पुनर्वृत्ति नहीं होगी, इसकी मेरी स्वयं गारंटी ले रहा हूँ। प्रशासन को कह रखा है, महाराज जी से हमारी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से उनके सख्त निर्देश हैं, कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा मैडम। लेकिन क्या लगता है इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन प्लान तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला बरकरार है। अगर बात की जाए, अगर लगातार कार्रवाई की जाती है पुलिस के माध्यम से, लेकिन तालाबंदी भी नहीं की जाती है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोई बड़ा एक्शन प्लान नहीं किया जाता, क्योंकि सरकार वहां नहीं पहुंच सकती है, इसीलिए लगातार जो अधिकारी है उनके माध्यम से ये कार्य किए जाते हैं। उसके बावजूद क्या लगता है आपको, एक बड़े एक्शन प्लान की जरूरत है यहाँ पर कि नहीं? देखिए, बड़े एक्शन प्लान से ही पूरी कमेटी बना दी गई है, उन पर 50-50 हजार के नाम इनाम घोषित कर दिए गए हैं। इतनी बड़ी एनएसए लगाना, महाराज जी का कहना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि किस तरह से एनएसए लगेगी। ये हम मानते हैं, जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, हर चीज पे उन्होंने ट्रैम पे किसी चीज पे हर चीज पे उन्होंने कंट्रोल किया है। स्वयं ये घटना क्या होता है, चुनाव के दौरान लोगों ने दारू मंगाई, कुछ करा, उसके बाद पुलिस प्रशासन में एक सीमित प्रशासन है, उसके बाद ये घटना हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है ये शराब कहाँ से आई, कहाँ बनी, अलग अलग दवा जिले दूसरे जिलों में भी दवा दी जा रही है, और वो देखा जा रहा है कहाँ पैक हुई है, किसके यहाँ से कौन सा पदार्थ प्राप्त हुआ, वो पूरी इंक्वायरी हो रही है। हमारे यहाँ के कप्तान है कलानिधि जी, पूरा लगे हुए हैं, पूरी प्रशासन, उन्होंने 5 टीम प्रशासन की बनाई है। हमारे एडीजे राजीव कृष्णा जी आए थे कल, वो भी दौरा करके गए, स्वयं जनप्रति मेरे सब लगे हुए, मैं भी शासन के साथ मीटिंग कर रहा हूँ प्रतिदिन, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल से मैडम कि कभी भी मेरे अलीगढ़ क्षेत्र में ऐसी कोई दोबारा पुनर्वृत्ति कार, कोई भी जहरीली शराब से कोई नहीं मरेगा, ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि धंधा करने वाला भी गलती से सोचे तो वो कर नहीं पाए ऐसा धंधा, इतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है जहरीली शराब पीने से, उनके जो बात करें प्रधान, तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? देखो, उनके खिलाफ अरेस्ट कर लिया गया है, 3-4 लोग को अरेस्ट कर लिया गया, कुछों को पुलिस दबिश दे रही है, उनके परिवारजनों को उठा लिया गया, पूरी दबिश दे रही है पुलिस, पता लगा रही है किस तरह से क्या है, दूध का पानी का पानी होगा, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा। जी, जिस तरीके से सीएम ने आबकारी अधिकारी को करने को दिया था, लेकिन उसके खिलाफ चार ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन बात करें, ऑफिसर को सस्पेंड नहीं करा मैडम, सस्पेंड तो किया ही किया है, उनके खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ भी एफआईआर चलाने का काम मैं अलीगढ़ जिले में करूंगा, उनके साथ ढूंढ रहा हूँ। अगर उनकी लिप्तता पाई जाती है तो जो आबकारी विभाग के अधिकारी थे उनके खिलाफ भी अलीगढ़ में केस दर्ज किया जाएगा। जी, तो इसी पर हमारे साथ आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं। तो क्या कुछ कहना है आपके, जिस तरीके से लगातार अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी, बोलिए, किस तरीके से आप देखते हैं इस तरीके को, जिस तरीके से लगातार जहरीली शराब पीने से जो मौतों का सिलसिला है वो बरकरार है? जो घटना अलीगढ़ में हुई है वो बहुत दुखद है, और मृतकों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ उन्हें। कठोर कार्रवाई विभाग में की गई है, वहाँ के जिला आबकारी अधिकारी, वहाँ का निरीक्षक जी, दो सिपाही बीट के चारों को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी 2 घंटे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है, वहाँ के थाना अध्यक्ष और सीओ को भी सस्पेंड आज ही कर दिया जाएगा।
ऐसा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, कठोर कार्रवाई करेंगे, माफिया का एनएसए उसके ऊपर लगाएंगे, गैंगस्टर लगाएंगे, संपत्ति जब्त करेंगे, किसी भी कीमत पर किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए गए और कड़ी कार्रवाई करना ये हमारी प्राथमिकता है। हम किसी कीमत पर इसमें कोई ढील नहीं बरते। लेकिन सर ये पहला ऐसा कोई मामला नहीं है, जहरीली शराब पीने से लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो इसी तरीके से लगातार चलता आ रहा है, क्या लगता है कोई बड़े एक्शन लेने की जरूरत नहीं है इस पर? नहीं, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है मैडम, बड़ा एक्शन ही लिया जा रहा है और कठोर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को भी नहीं बख्श रहे, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, इस तरह घटना होती है उनके क्षेत्र में तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। क्या लगता है कि अगर आबकारी अधिकारियों को सीएम के निर्देश के बाद निलंबित किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो आबकारी मंत्री हैं उन पर आखिर कब कार्रवाई की जाएगी? किस पर? सर जिस तरीके से लगातार मंत्रियों के द्वारा कब ये जो कार्रवाई वो कब की जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं बात करें पुलिस प्रशासन की तो वो आखिर किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। हालांकि पुलिस भी कार्रवाई करती है, लेकिन तालाबंदी की अगर बात की जाए तो जो ये भट्टियां चलती हैं वहां पर तालाबंदी नहीं की जा रही है। नहीं, ये भट्टियों वाला केस नहीं है, ये दुकान से लेकर हुआ है और दुकान वाले ने जो ठेका चला रहा था उसने मैनिपुलेशन किया है, उसका सीज कर दिया गया है, उसे गैंगस्टर में एनएसए में जेल भेजा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर फिर से एक बार जहरीली शराब ने कहर बरपाया। आपको बता दें कि अलीगढ़ में जहरीली शराब से करीब 27 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोगों का इलाज अभी जारी है और पुलिस जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी अधिकारी समेत कई लोगों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 5,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और इस मामले में मजिस्ट्रेटरी को जांच का आदेश भी दिया है। लेकिन जहरीली शराब ने सिर्फ अलीगढ़ में ही लोगों की जान नहीं ली है, बल्कि इससे पहले भी कई जिलों में जहरीली शराब अपना कहर बरपा चुकी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मन जाएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।